नमस्ते। टाटे हॉस्पिटल यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर रक्षा टाटे, बाल रोग विशेषज्ञ, आपका स्वागत करती हूँ। आज वीडियो का विषय है, बच्चों के और हमारे सभी के आहार में फाइबर क्यों ज़रूरी है और कौन से आहार से हमें ज़्यादा फाइबर मिल पाता है। बच्चों के और बड़ों के, हमारे सभी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए आहार में फाइबर का सही मात्रा में होना बेहद ज़रूरी होता है। पर इस फाइबर से हमें ना ही कोई ऊर्जा मिलती है और ना ही कोई पोषक तत्व। तो आप यह सोचते होंगे ना, फिर आहार में फाइबर क्यों होना चाहिए? जितना महत्व हमारे जीवन में जीरो का होता है ना, उतना ही महत्व होता है आहार में फाइबर का। वैसे देखेंगे तो कोई कीमत नहीं और वैसे बहुत महत्वपूर्ण भी, क्योंकि यदि भोजन में फाइबर सही मात्रा में हो तो ही संडास नरम यानी सॉफ्ट हो सकता है। जिस आहार में फाइबर बहुत कम मात्रा में हो या नहीं के बराबर हो, ऐसा आहार खाने से हमारा संडास इतना सूखा होता है जिसके कारण मल विसर्जन तकलीफ से होता है, दर्द भरा पेनफुल होता है। अब जानते हैं कौन सा आहार खाने से हमें फाइबर ज़्यादा मात्रा में मिल पाता है। गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा जैसे अनाज में और उसके चोकर युक्त भूसा युक्त आटे से फाइबर ज़्यादा मात्रा में मिलता है, क्योंकि धान्य के बाहर के भाग में जिसे हस्क कहते हैं फाइबर होता है। पर उस आटे से हमने भूसा निकाल दिया तो उसमें से फाइबर की मात्रा कम हो जाती है। सभी तरह के पूरे फल, सभी तरह की सब्जियां और सलाद के पदार्थों में और अनेक तरह के पल्सी जैसे राजमा और मसूर में भी फाइबर अधिक मात्रा में होता है। इसीलिए गेहूं में पोषक तत्व है, फाइबर है, पर उससे बने मैदे में नहीं है। ब्राउन राइस में फाइबर है, पर ब्राउन राइस से बना वाइट राइस में फाइबर बहुत कम मात्रा में होता है। कौन सा आहार सात्विक होने के बावजूद उसमें फाइबर कम है? तो वह है दूध और दूध से बने सभी पदार्थ और सभी तरह के मांसाहार। इसमें फाइबर की मात्रा बहुत कम या नहीं के बराबर होती है। इसीलिए जिनके आहार में दूध और मांसाहार हो, उनके आहार में सब्जियां और फल और अनाज होना बेहद ज़रूरी होता है। मैदे से बने बेकरी प्रोडक्ट्स, बिस्किट, नान खटाई, खारी बिस्किट, पिज़्ज़ा, ये सभी ना ही सात्विक है और ऐसे आहार में फाइबर नहीं के बराबर है। और उसी तरह से फल के रस में भी विटामिन्स है, ऊर्जा है, पर फाइबर नहीं है। इसीलिए जिनके भी आहार में दूध और दूध से बने पदार्थ ज़्यादा, बेकरी प्रोडक्ट्स और मांसाहार ज़्यादा प्रमाण में होता है, उन्हें पेट साफ नहीं होने की बीमारी लग जाती है जिसे कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। और जिन्होंने हमारे कॉन्स्टिपेशन के वीडियोस देखे हैं, वे बहुत आसानी से समझ पाएंगे कि बच्चों को पेट साफ नहीं होता हो तो उन्हें बार बार पेट दर्द होते रह सकता है, भूख नहीं लगती है, उनके संडास और गैस में बदबू आ सकती है, ऐसे अनेक शिकायतें दिखती है। और जिन बड़ों के आहार में फाइबर की कमी हो, उन्हें सिर्फ कब्ज ही होती है ऐसा नहीं है, उनमें डायबिटीज़, मोटापा, ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल, हृदय की बीमारी और पेट के कैंसर की बीमारी ज़्यादा प्रमाण में पाई जाती है। आज की जीवन शैली में सही आहार खाना थोड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि सभी जगह एडवर्टाइजमेंट में भी ऐसे जंक फूड ही दिखाई देते हैं। पर कोशिश करने से जितना ज़्यादा बार हम सही आहार खा सकते हैं, उतनी बार तो हम सही आहार खाएं और बच्चों को भी खिलाएं और स्वस्थ रहने की कोशिश करें। थैंक यू।